विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें अपन आज पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी और इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस, संक्रमण अवस्था या परम वेग का सिद्धांत या साम्य परिकल्पना। ये तीनों एक के ही नाम है बेटा। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक सिद्धांत सर्वप्रथम 1915 में मोर्शिलिन द्वारा दिया गया और बाद में 1935 में आयरिंग तथा पोलेन द्वारा विकसित किया गया। इसके जो मुख्य बातें हैं इस सिद्धांत की, वो इस प्रकार हैं। क्रियाकार कणों को उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक सक्रियत संकुल बनाना आवश्यक है, यानी जितने भी क्रियाकारक हैं ना, वो क्या बनाएंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सक्रियत संकुल। क्रियाकारक एवं संक्रिया संकुल के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसमें और जो अपने क्रियाकारक हैं, रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इनके बीच क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, साम्यावस्था रहती है। जब क्रियाकारी अणु परस्पर उपयुक्त दिशा में टकराते हैं, तब सकृण संकुल के निर्माण की संभावना बनती है। यानी क्रियाकारक के जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ऑप्टिमम डायरेक्शन में जब कोलिजन करेंगे तो उससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। सक्रियत संकुल में परमाणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है और उनमें दुर्बल बंध रहते हैं। वस्तुतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक बंध टूटता है और एक नया बंध बनता है। सक्रियत संकुल अथवा संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट में टूटने वाला बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता, वह टूटने की प्रक्रिया में होता है, जबकि नया बनने वाला बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता, वरन बनने की प्रक्रिया में होता है। अतः दोनों ही बंध दुर्बल अवस्था में होते हैं, यानी जो बन रहा है वो भी आंशिक रूप से बना है और जो टूट रहा है वो भी आंशिक रूप से अभी जुड़ा हुआ है। बनने वाला पूर्णतः बना नहीं है और टूटने वाला पूर्णतः टूटा नहीं है। इस बीच की अवस्था को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यही होता है हमारा सक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये सबसे हायर एनर्जी का होता है बच्चों, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सक्रियत संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है, अर्थात यही वह ऊर्जा अवरोध है जिसे पार करके कोई क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहता है, ये सबसे हायर स्टेज एनर्जी की प्रावस्था होती है, और इसको क्रॉस करके ही कोई कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में कन्वर्ट होता है। अगर उससे कम ऊर्जा है उसके पास तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो H2+Cl HCl+ एज एटम बन जाएगा। H2 अणु व Cl परमाणु उपयुक्त दिशा में एक दूसरे के निकट आए, ये पहली चीज होनी चाहिए। दूसरा, HH बंध दुर्बल होने लगे और HH बंध एक दूसरे से दूर जाने लगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। H व Cl के मध्य दूरी कम होने लगती है और उनके मध्य दुर्बल बंध बनने लगता है, जैसा इसमें E के ऊपर लिखा हुआ है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इस प्रकार उच्चतम ऊर्जा वाला एक सक्रियत संकुल बनता है जिसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। सक्रियत संकुल की ऊर्जा उच्चतम होने के कारण उसकी आयु अत्यंत कम होती है, यानी इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी बच्चों उतनी ही कम होती है। तो यहां इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अतः सक्रियत संकुल बनते ही एच एच के मध्य का बंध टूट जाता है और एच सी एल के मध्य का बंध बढ़ जाता है। तो ये है अपना आज का सिद्धांत, और इसमें अगर हम K की वैल्यू निकालें तो K*= आ जाएगा AB*/AB, और AB*=KAB, और ये वैल्यू जब आप रखोगे तो K=, आ जाएगा K*KT/H। संघटवाद एवं परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत की तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि परम अभिक्रिया वेग का सिद्धांत संघटवाद या टक्करों के सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके कुछ कारण हैं बच्चों। टक्करों का सिद्धांत बड़े एवं जटिल अणुओं की अभिक्रियाओं की गति
के अध्ययन को अधिक उपयुक्त नहीं होता। टक्करों का सिद्धांत गैसीय अवस्थाओं में ही सही परिणाम देता है, लेकिन द्रव तथा विलयन अवस्था में इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता।